कुछ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। रतिक हैं मुंबई से अपना सवाल पूछने के लिए। रतिक जी नमस्ते, पूछिए सवाल। नमस्ते हेमंत जी, गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल सुन रहे आपको, प्लीज पूछिए सवाल। हेमंत जी मेरा सवाल आपसे ही है, मैंने आइडिया का पुट लिया हुआ है 90 का एट 2.05 रुपीज़, मेरे पास 5 लॉट्स है, आप क्या कर सकते हैं बताइए हम प्लीज। अच्छा ठीक है, आइडिया आप SBI के बारे में कुछ जानना चाहते थे क्या पहले आप? SBI का मैंने 280 का कॉल लिया हुआ है अप्रैल एक्सपायरी का। वो सेटल कर लिया कि पड़ा हुआ है अभी भी? अप्रैल एक्सपायरी का मेरे पास है अभी। अच्छा है, मुझे आइडिया और SBI दोनों पे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैं ठीक है पूछ रहा हूँ, 90 की कॉल है ना आपके पास आइडिया की? 90 की पुट है मेरे पास। पुट है आपके पास, ठीक है जी। 90 के पुट, एक तो आइडिया की होल्ड कर रहे हैं, 275 की कॉल SBI की है इनके पास। क्या करना चाहिए हेमंत? देखिए मैं आइडिया पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ग्रुप कंपनी है, हाँ, लेकिन मैं SBI पे जरूर बता सकता हूँ कि सर अगर आपके पास कॉल खड़ी है तो आप एक टाइट स्टॉप लॉस रखिए 265 का। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, एक तो 50 डेज मूविंग एवरेज वहाँ पे है और दूसरी बात यह है कि वीकली चार्ट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी SBI का 265 का है। अगर स्टॉक उसके नीचे जाता है तो आप प्लीज़ कॉल से एग्जिट कर जाइए क्योंकि स्टॉक फिर 255 तक भी आ सकता है। तो जो आप SBI में होल्ड कर रहे हैं उसका स्टॉप लॉस आप 265 रखिए। आइडिया मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, कमेंट नहीं कर सकता। चलिए इसी बीच हमारे साथ गौरव जी जुड़े हैं जयपुर से। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है सर, पूछे क्या पूछना चाहते हैं आप? सर एक्चुअली कल मैंने टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के लॉट लिए थे, टाटा स्टील को मैंने शॉर्ट किया था 502 पे। नहीं नहीं, टाटा मोटर्स आपने खरीद रखा है क्या, बाइंग है आपकी इसमें? टाटा मोटर्स का मेरा अभी बाइंग है, 475 का मेरे पास लॉट है उसका। अच्छा, और अभी मेरे पास मैंने जो टाटा मोटर्स पे कुछ बाउंस बैक एक्सपेक्टेड, इनका भाव इनको वापस मिल जाएगा 475 का? देखिए मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टाटा मोटर्स में 460 के पुट में कोई अनवाइंडिंग नहीं हुई है तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक अब यहाँ से ज्यादा नीचे जाएगा। और वैसे भी स्टॉक एक रेंज में ही है, एक अगर मैं मंथली रेंज देखूं तो इट हैज़ बीन होल्डिंग 460 पुट एंड 480 कॉल, मतलब ये दोनों ही लेवल्स पे पुट और कॉल राइटर्स को पैसा लगातार बन रहा है। तो अभी डाउन रेंज के निचली तरफ की सपोर्ट पे है तो बिल्कुल इनको एग्जिट नहीं करना चाहिए, इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 460 का, और अपसाइड 480 का मिल सकता है। लेकिन पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो इनके कॉस्ट के बहुत आसपास है 473 पे, तो अगर 473 जाता है तो या तो थोड़ा पोजीशन हल्की कर लें या स्टॉप लॉस रख लें 470 का और राइड करते रहें स्टॉक को। चलिए इस बीच एक और SMS हमको मिला है, एक्चुअली मोमिन का है मुंबई से, हिंदुस्तान जिंक के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी जो खरीद है ना सर वो है 298 की, 3 लॉट इनके पास है, मार्च सीरीज के हैं। ये जानना चाहते हैं कि इसको रोल करें या फिर अभी नहीं करें, ये प्रॉफिट में तो नहीं है, थोड़ा नुकसान इनको मिल रहा है, अब ये रोल करें या फिर नहीं करें हिंदुस्तान जिंक? नहीं, मैंने जो प्राइस सुना वो 298 सुना कि ये 298 पे लेके खड़े हुए हैं, 298 का लेके खड़े हैं, 293 का अभी फ्यूचर का भाव आ रहा है। देखिए मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए क्योंकि स्टॉक बहुत ही, मैं तो स्पॉट लेवल्स देख पा रहा था तो स्पॉट लेवल्स में स्टॉक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न दिखा रहा है और मुझे लगता है कि 315 के ऊपर निकलते ही स्टॉक विल टेस्ट 330। मुझे लग रहा है फ्यूचर्स डिस्काउंट में है तो इस तरह से वो इसको प्राइस अप कर ले कि अभी जो स्टॉप लॉस है वो इन्होंने रखना है 305 का कैश में, और 315 के ऊपर जाते ही स्टॉक 325 का टारगेट आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये होल्ड करें, स्टॉक इज शोइंग गुड फॉर्मेशंस और ओपन इंटरेस्ट भी आज अच्छा ऐड हो रहा है। हेमंत लेकिन अब बाजार पे अगर यहाँ पर कोई दो ट्रेड्स इनिशिएट करने हो इस सीरीज में एक्सपायरी से पहले पहले जहाँ पर मुनाफा कमाने का चांस हो, तो ऐसे दो ट्रेड्स बताएं सर जहाँ पर आप पोजीशंस एडवाइस करेंगे राइट नाउ। देखिए एक मैं पहला स्टॉक एडवाइस करना चाहूंगा अमार राजा बैटरीज, उसके दो मेन रीजंस हैं। एक तो पहले जिस तरह से स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और गिरती मार्केट में लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दूसरा जो इसका पीयर है जिस एग्जैक्ट हम बोलते हैं एक साइड, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है और ये अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी मेरे हिसाब से स्टॉक आज वापस से टेक्निकली इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, तो 860 और 865 का जो सपोर्ट बैंड है
वो हम रखेंगे स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 899 और 905 का जो रेजिस्टेंस जोन है वो स्टॉक टेस्ट कर सकता है 2 से 3 दिन के अंदर, तो अमार रह जा बैटरीज हमारा बाय रहेगा। दूसरा स्टॉक जो है वो है FMCG मिड कैप डाबर। देखिए अब आप एक चीज़ समझिए, FMCG में ITC, ब्रिटानिया, कोलगेट, पामोलिव सारे ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, उसके रहते हुए डाबर में भी बाइंग देखने को मिल रही है और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा ऐड हो रहा है। मेरे ख्याल अगर हम आप स्टॉप लॉस रखें 275-278 जोन को, तो इमीडिएट टारगेट जो बनता है वो यहाँ से 10 रुपये का बनता है 298 से 300 के बीच में। तो डाबर और अमार राजा बैटरीज आने वाले 2 से 3 सेशंस के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया हेमंत आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, दोनों पिक्स बताने के लिए कि एक तो अमर राजा बैटरी, दूसरा डाबर, ये दो ऐसे शेयर्स होंगे जिस पे आप नजर रख सकते हैं।